मेनी एग्स। सो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस बारे में आज वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो गाइस आईबीपीएस की तरफ से आरआरबी की जो रिक्रूटमेंट आई है 2023 की, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस नोटिफिकेशन को लेके सारी चीजें मालूम पड़े। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि इस नोटिफिकेशन के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जो लोग भी ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। तो चलो बाकी सारे जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं एक बार। अभी अपना मेन पॉइंट आता है एज के ऊपर। एज क्या होनी चाहिए उसके बारे में देख लीजिए। फॉर ऑफिसर स्केल थर्ड सीनियर मैनेजर के लिए अबव 21 ईयर्स बिलो 40 ईयर्स। अब सेकेंड आपका आता है ऑफिसर स्केल सेकेंड मैनेजर के लिए, सेम ही है, आपका एज जो रहेगा अबव 21 ईयर्स होना चाहिए और 32 साल यानी कि 32 ईयर्स से नीचे नहीं होना चाहिए। मतलब 21 साल से लेके 32 साल तक आप लोग एलिजिबल है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे बॉर्न ईयर दिया है। अब ऑफिसर स्केल वन असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो है 18 साल से लेके 30 साल तक का है और यहाँ पे बॉर्न ईयर दिया है आप लोगों का। ऑफिसर फॉर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए एज रेंज जो है आपका 18 साल से लेके 28 साल तक का है। 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एज, ठीक है। यहाँ पे भी बॉर्न ईयर दिया है आप लोगों का, एक बार ध्यान से गो थ्रू कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया है तो वो भी आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए जो रहेगा 5 इयर्स का रहेगा, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 इयर्स का रहेगा। बाकी सारे जो भी है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में एक्सप्लेन किए गए, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में बताया है, आपका एप्लीकेशन फीस क्या है एक बार वो भी देख लीजिए। ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के लिए जो रहेगा एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए 175 रुपीज रहेगा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी और 850 रहेगा फॉर ऑल अदर्स के लिए। अब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो रहेगा 175 रुपीज रहेगा आपका, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए रहेगा और एक्स सर्विस मैन के लिए रहेगा और 850 जो रहेगा वो ऑल अदर्स के लिए रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है तो मैं आपको एक बार डिटेल बता देती हूँ क्या है एग्जाम पैटर्न आपका प्री एग्जाम के लिए। फर्स्ट देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए जो रहेगा आपका फर्स्ट पेपर जो रहेगा रीजनिंग के लिए रहेगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा। तो 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। 45 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा और 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 मार्क्स रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो रहेगा रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेम रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा, टोटल आपका 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 80 मार्क्स रहेगा, 45 मिनट मिलेगा आपको ड्यूरेशन पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए मेन एग्जामिनेशन के लिए बताया है, मेन एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए यहाँ पे बताया है तो रीजनिंग का पहला आप देख लीजिए, रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 50 रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज का भी सेम रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज का 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा, 20 मार्क्स रहेगा। जनरल अवेयरनेस का जो रहेगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे, पर क्वेश्चन 1 मार्क का हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज का जो रहेगा वो आपका 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स रहेगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 50 मार्क्स रहेगा, टोटल आपका 200 ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स भी आपका 200 का रहेगा। टोटल आपको 2 आवर्स मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका है ऑफिसर स्केल्स 1 के लिए आपको बताया है रीजनिंग का जो रहेगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए रहेगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स। जर्नल अवेयरनेस का भी सेम रहेगा 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज का भी सेम रहेगा जैसा कि आपको इसके पहले मैंने बताया और हिंदी का भी सेम ही रहेगा, पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स, टोटल आपका जो रहेगा 200 ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे,
2 आवर्स आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और जैसा कि आपको मैं पहले से बताते आ रही हूँ नेगेटिव मार्किंग के बारे में, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 आपका जो रहेगा नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब यहाँ पे देखिए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन का आपका बताया है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स का रहेगा, ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए जो रीजनिंग रहेगा हिंदी इंग्लिश में रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स। कंप्यूटर नॉलेज का जो रहेगा वो भी मीडियम ऑफ एग्जाम रहेगा, हिंदी इंग्लिश का रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स रहेगा। फिनेंशियल अवेयरनेस का जो रहेगा हिंदी मीडियम में देना रहेगा और इंग्लिश मीडियम में जो भी आपका सिलेक्टिव लैंग्वेज रहेगा, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स, पर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दिया है, सेम रहेगा आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 मार्क्स, ओवरऑल आपका जो रहेगा 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे। 2 आवर्स का आपको ड्यूरेशन मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि स्पेशलिस्ट कार्ड स्केल रहेगा। ऑफिसर स्केल सेकंड के बारे में हम लोग बताते हैं, अब यहाँ देख लीजिए फर्स्ट आपका रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज के लिए हिंदी इंग्लिश मीडियम में दे सकते हो, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग रहेगा, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। और यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियम ऑफ एग्जाम भी रहेगा, मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश में रहेगा, बस आपका जो सिलेक्टिव लैंग्वेज रहेगा जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज उसमें आप लोग को लैंग्वेज रहेगा। इसमें टोटल आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 240, मार्क्स जो रहेगा 200 रहेगा। ठीक है, पूरा पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 आवर्स 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटा मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब ऑफिसर स्केल थर्ड के बारे में एक बार देख लीजिए, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और मीडियम ऑफ एग्जाम जो रहेगा हिंदी इंग्लिश का रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 50 फॉर रीजनिंग, और कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे अभी थर्ड आपका है फिनेंशियल अवेयरनेस का रहेगा, इंग्लिश हिंदी सेम जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा और मार्क्स वगैरह भी आप लोग देख सकते हो नोटिफिकेशन में दिया है, इसमें भी 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स भी 200 रहेगा। 2 आवर्स का ड्यूरेशन दिया गया है पेपर को सॉल्व करने के लिए यानी कि पर क्वेश्चन आपका रहेगा 1 मार्क का। देखिए जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया था, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है। सो इस एप्लीकेशन के लिए आप लोग आज से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो और जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो 26 जून का रहेगा। तो आप लोगों के पास अभी काफी ज्यादा टाइम है, जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस एग्जामिनेशन के लिए तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फॉर्म फिलअप का आएगा। तो यहाँ तक आपको मैंने जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता कोई पॉइंट तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज एग्जाम मेनी एक्स।